रिएक्टर बंद कर दिया है, पर टेसरेक्ट तो अब खुद ब खुद चल रहा है। उसे बंद कर दीजिए डॉक्टर सेल्विक। अब बहुत देर हो चुकी है, ये अब नहीं रुक सकती। ये हमें कुछ दिखाना चाहती है, एक नई दुनिया। आपकी मर्जी। सर, ये गहरा ठोस ऊर्जा का है, उसे नहीं तोड़ा जा सकता। समझ गया जार्विस। प्लान भी शुरू करो। सर, आपका नया कवच इस्तेमाल के लिए तैयार नहीं है। तो जाने दो जार्विस, हमारे पास वक्त नहीं है। कहो कि तुम मुझसे रहम की भीख मांगने वाले हो। मेरा इरादा तो तुमसे भीख मंगवाने का। तब तो तुम्हें अपना कवच पहने रहना चाहिए था। कवच थोड़ा खिंच चुका है और तुम्हारे पास तो किस्मत की चमचमाती छड़ी है, कुछ पियोगे? हमें रोकने से कुछ नहीं बदला। नहीं, रोक नहीं रहा, धमका रहा हूं। एक एक जाम टकरा लेते हैं। हमारी फौज आ रही है, उसे कोई नहीं रोक सकता। फिर हमें किस बात का डर? अवेंजर्स का? हम अपने आप को यही बुलाते हैं। हमने एक टीम बनाई है दुनिया भर के सुपर हीरोज को इकट्ठा करके। हाँ, मिल चुके हैं। हाँ, हमें टीम बनने में थोड़ा वक्त तो लगता है, ये तो मानना पड़ेगा। पर चलो गिनकर देख लेते हैं। तुम्हारा भाई, जिसे देवता मानते हैं, एक अद्भुत सैनिक और एक पौराणिक कहानी का नायक, एक आदमी जो अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाता है, कुछ एक उस्ताद हथियारे, और तुम बच्चूलाल, तुमने तो अकेले ही इन सब की नाक में दम कर रखा है। यही तो इरादा था। नापाक इरादा है। जब वो आएंगे, और वो जरूर आएंगे, तब तो तुम्हारी बच गई। हमारे पास फौज है, हमारे पास हल्क है। ओह, हमें लगा कि वो जानवर खो गया। तुम बात को समझ नहीं रहे हो। यहां कोई तक नहीं है और ना ही कोई सियासत है, तो शहंशाह बनने का ख्वाब मत देखो। हो सकता है तुम्हारी फौज यहां आए, हो सकता है हम पर भारी भी पड़े, लेकिन इसके जिम्मेदार तुम ही होगे, क्योंकि अगर हम पृथ्वी को बचा नहीं पाए तो इसका बदला जरूर लेंगे। उनके पास हमारे लिए वक्त कहां से होगा जब वो तुमसे लड़ने में मसरूफ रहेंगे? ये काम क्यों नहीं कर रहा है? ड्रामेबाजी में ऐसा ही होता है, कभी कभी पर्दा नहीं खुलता है और दर्शक सोचते रह जाते हैं कि जार्विस, तैयार हो जाओ। तुम सब हमारे आगे झुकोगे। जार्विस, चलो।